हम जापानी डिश सूजी बनाकर दिखाएंगे आपको। और ये एक हमने बर्तन लिया है, इसमें ये सूजी डाली है, ये चावल की बनती है, सूजी की बनती है, हम आपको सूजी की बनाकर दिखाएंगे। एक आधा कटोरी हमने सूजी ली है और ये ज्यादा मोटी नहीं है, मोटी होती तो ये ग्राइंडर में पीस लेते हैं। अब हमने आधा कटोरी दही लिया है, वो बड़ी कटोरी सूजी थी, ये आधा कटोरी दही लिया है, ये दही इसमें मिला देंगे। दही मिलाने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, चौथा हिस्सा से कम नमक डालेंगे इसके अंदर, और थोड़ा सा इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे, इतना बेकिंग सोडा डालेंगे इसके अंदर। अब इन सबको हम मिला लेंगे, थोड़ा सा तेल लगाएंगे, ऐसे तेल लगा के, और थोड़ा सा बेलन पर भी तेल लगाएंगे। अब इसको हम बेलेंगे, चौकोर शेप में बेल लिया है। अब इसमें हम चटनी बनाएंगे लगाएंगे, जो हमारे ये चटनी घर बनाई हुई चटनी है, इसमें कोई भी चटनी लगा सकते हो, हरी चटनी बना के लगा सकते हो, और इसको हमने घर में बनाया है, हम इसको ही लगाएंगे। पिज्जा सॉस भी लगा सकते हो। अब इसमें हमने सारी चटनी लगा दी है, अब इसके ऊपर ये हमारा बनाया हुआ पेस्ट है, इसके ऊपर बिछाएंगे। लगा लिया यहाँ पे, अब इसको ऐसे धीरे धीरे करके मोड़ेंगे। हमारा रोल तैयार हो चुका है, अब इसको ऐसे यहाँ से भून कर देंगे थोड़ा, तो हम ऐसे ही तैयार कर लेते हैं उसको। इसको भी उसी तरह से तैयार करेंगे। तो सारा बढ़िया तरह से पेस्ट लगा दिया है, अब इसको भी हम ऐसे ही रोल करेंगे। और यहाँ मुंह बंद कर देंगे इसका, थोड़ा थोड़ा ये निकले ना अंदर से। अब हम क्या क्या इसको दिखाएंगे, क्या हमारी ये सूजी के दोनों रोल बनकर तैयार हो चुके हैं, अब इनको हम कैसे पकाएंगे आपको दिखाते हैं। अब ये पानी को हम रख देते हैं, ये हम ऑल आ जाएगा, फिर हम सूजी को इसके ऊपर रखते हैं। पानी अच्छे से वाल आ गया है, अब इसके ऊपर हम ये चलनी रखेंगे, चलनी रखें, चलनी में हमने तेल लगा रखा है,
अब इसके ऊपर चलनी रख के फिर हम ये सूजी रखेंगे इसके ऊपर, इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। और ऊपर से इसको हम ढक देंगे, उनको इसमें पकने देंगे। गर्म कर लिया है सूजी के लिए, ये तड़के की तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा सा हमने ये राई डाला है, थोड़ा हमने तिल डाला है, इसमें थोड़ा सा धनिया डालेंगे। अब तैयार हो चुका है तड़का, इसको हमने बंद कर दिया है। अब इधर सूजी हमारी पक के तैयार हो रही है। ये हमने घर सौंस बनाई है, हमारे बच्चे सूजी की सौंस पसंद नहीं करते हैं, आप पसंद करते हैं तो आपको जरूर दिखाएंगे। और इसमें हमने तड़का तैयार किया है, वो तड़का इसके अंदर छोड़ देते हैं। और हमारे सूजी तैयार हो चुके हैं, और उसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। अब ये जापानी सूजी बनकर तैयार हो चुकी है, अब उसकी कटिंग करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कटिंग करके ये कितनी सुंदर बनती है। देखो कितनी सुंदर बनकर तैयार हुई है। अब सबको ऐसे ही काट लेंगे। हमने सूजी को काट के तैयार कर दिया है, अब उसके ऊपर हमने तड़का बनाया था, वो थोड़ा थोड़ा तड़का इनके ऊपर डाल देते हैं। अब हमारी ये जापानी सूजी बनकर तैयार हो चुकी है, देखो हमने कितनी सुंदर बनाई है। और इसमें चटनी हमने एक बनाई है, कई चटनी आती है सूजी के साथ में, काली चटनी भी आती है, लेकिन हमारे बच्चे उस चटनी को पसंद नहीं करते, इसलिए हमने एक ही चटनी बनाई है। और आपके बच्चे खाते हैं तो आप बता देना, आपको बनाकर जरूर दिखाएंगे। और आपको कैसी लगी सूजी की रेसिपी, आप कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, और आपका प्यार ऐसे देते रहना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी रेसिपी देखने के लिए।